एमपी न्यूज, मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां शुरुआत करेंगे हम उस खबर के साथ जिस पर पूरे भारत की जनता की ही नहीं बल्कि विश्व भर की नज़र टिकी हुई है, नज़र बनी हुई है। और सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं बजट को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश के 75वें बजट में कई तरह के ऐलान किए हैं, वो भी तब जब अगले साल देश में आम चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बुधवार को 1 घंटे 27 मिनट की स्पीच में देश को भरोसा दिलाया कि देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी मजबूत है। इसमें खासतौर पर 3 बातों पर फोकस किया गया। सबसे पहली कि 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा। और तीसरी कि इस साल युवाओं को रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस यहाँ पर ज़्यादा किया गया है इस बजट में। वैसे तो और भी कई सारी बातें हैं जो बजट में डिस्कस करना बनती है, लेकिन इसकी खास डिटेल्स आपको एमपी न्यूज़ की अन्य खबरों में ज़रूर मिलेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को पीएम नरेंद्र मोदी ने उम्मीदों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये गरीब, किसान और मध्यम वर्ग सभी की उम्मीदों को पूरा करने वाला है। परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले, बनाने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि लोहार, सुनार, मूर्तिकार, इन सबकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी की मेहनत से देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लेकर आया। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। गांव में रहने वाली महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए बीते सालों में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। और भी कई सारी बातें इस बजट में शामिल हैं, तो इस आम बजट ने आज के दिन को काफ़ी खास बना दिया। बात करेंगे अन्य खबरों की, तो बीजेपी की सीनियर लीडर और फायर ब्रांड नेता उमा भारती अभी भी अटैकिंग मोड में ही नजर आ रही हैं। शराब नीति में अपने सुझावों को शामिल करने की मांग को लेकर वे काफ़ी मुखर हैं। शिवराज सरकार की मुसीबतें बढ़ा रही उमा भारती ने अब ऐसे राज भी सार्वजनिक कर दिए जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चुनौती दे रहे हैं। भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित हनुमान मंदिर में मीडिया से चर्चा के दौरान उमा भारती ने रायसेन किले के प्राचीन शिव मंदिर में लगे ताले के न खुल पाने का राज भी सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें ताला खोलने से रोका था। वे इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने कहा बीजेपी का एक सेक्शन उनके खिलाफ ट्रेडिंग और ट्रोलिंग कर रहा है। ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए वो बोली, वॉर छेड़ना है तो फिर तैयार हो जाओ। आपको बता दें कि उमा भारती नई शराब नीति में अपने सुझावों को शामिल करने के लिए सरकार तक से आर पार की लड़ाई के मूड में है, और इसे लेकर उनके कई तरह के ट्वीट भी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाए हुए हैं। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में बनी 5,642 अवैध कॉलोनियां 1 मई 2023 से वैध होना शुरू हो जाएंगी। इन्हें बिल्डिंग परमिशन मिलने लगेगी। इससे यहां रहने वाले रहवासी बिजली और नल कनेक्शन के साथ ही अन्य अधिकारों के भी पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार अवैध कॉलोनी को वैध करने के नियम भी सरल बनाने जा रही है। इससे प्रति वर्ग फीट के हिसाब से विकास शुल्क तय किया जाएगा। निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विकास शुल्क में 80% तक की छूट रहेगी। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इसका प्रारूप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखा। सीएम ने अफसरों से दो टूक कहा कि अब किसी भी सूरत में कहीं भी कोई अवैध कॉलोनी नहीं बनना चाहिए। अवैध को वैध करने का काम भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और वैध करने के लिए सबसे पहले नियमों को थोड़ा सरल बनाया जाए। इसी कड़ी में एक प्रावधान और जोड़ा गया है कि व्यक्ति जब मकान बेचने के लिए बिल्डिंग परमिशन लेने जाएगा, तभी उससे विकास शुल्क लिया जाएगा, उससे पहले नहीं। लेआउट प्रारूप मंजूर होने के बाद कॉलोनी में होने वाले विकास और बिजली नल कनेक्शन का वह बिना शुल्क के ही उपयोग कर सकेगा। तो कुछ इस तरह के बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। संत तुकाराम पर दिए गए अपने विवादित बयान को लेकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने
सफाई देते हुए माफी भी मांगी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहते हुए देखा गया कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती थी। जब ये वीडियो सामने आया तो इस पर एकाएक कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आने लगे। इस वीडियो के आने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने तुरंत माफी मांगी और स्पष्टीकरण भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। संत तुकाराम एक महान संत थे, हमारे आदर्श थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो में बयान देते हुए तमाम स्पष्टीकरण भी दिए और माफी भी मांगी। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर, तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश के 9 जिलों में मंगलवार रात का पारा 10 डिग्री से भी कम रहा। सबसे ज्यादा न्यूनतम पारा 14.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। अगले 2 दिन में रात के पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट होने के आसार जताए जा रहे हैं। ग्वालियर, नौगांव, खजुराहो और पचमढ़ी सबसे ज्यादा ठंडे रहेंगे। ग्वालियर, चंबल और मालवा में बारिश के आसार हैं, यहां घना कोहरा भी छाया रहेगा। राजधानी भोपाल में अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, यहां धूप खिली रहेगी। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया और मुरैना में बारिश की संभावना है। इसके अलावा मालवा, उज्जैन, रतलाम, देवास, मंदसौर और नीमच में भी बूंदाबांदी हो सकती है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सूखा देखा जा रहा है, जहां बारिश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जिनके भीगने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।